Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. Okay, he was just a teenager when he died. तो जब इसकी डेथ होती है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो फिगर, ठीक है, जब इसकी डेथ होती है तो वो कौन होता है, वो सिर्फ एक टीनेजर होता है. ओके, द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. अच्छा, ये पूरे जो लाइक लास्ट वंशज थे बहुत बड़ी लाइक पावरफुल फैमिली के. ओके, ही वॉज अ लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली जिसने इजिप्ट पर रूल किया था और सदियों के लिए रूल किया था. ओके, एक ऐसी फैमिली के ये लास्ट पर्सन थे. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. ओके, और इनको जब दफनाया गया, जब इनको कब्र में पहुंचाया गया, तो गोल्ड के साथ इनको वहां पे लिटाया गया और लोग इनको भूल गए. फिर सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. तो जब पहली बार इनका टूम, इनकी कब्र मिलती है 1922 में, तब से जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया लोगों ने कि ठीक है इनको क्या हुआ होगा. ओके, क्या, और सबसे ज़्यादा लोग किस पर बात कर रहे हैं कि जरूर मर्डर हुआ होगा, द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. ठीक है, सबसे ज़्यादा संभावना किस चीज़ की थी कि मर्डर हुआ होगा. नाउ लिविंग इज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. ओके, अब पहली बार ये अपनी कब्र से बाहर निकल रहे हैं 80 साल के बाद. ठीक है, 80 ईयर्स का डिफरेंस है. टट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो अब जो क्या है, ये जो टट हैं, क्लियर, तो उनको सीटी स्कैन किया जाएगा उनका, और यहाँ से पता चलेगा लाइफ और डेथ के बारे में. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फैरो. ठीक है, और ऐसा डेटा भी मिलेगा, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डेटा वहाँ पर मिलने वाला है जो भी सिटी स्कैन होगा, जिससे बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, व्हाट इज फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा फॉरेंसिक जांच हो रही है यहाँ पर. ओके, और पूरा उनका पता लगाया जाएगा किस तरीके से डेथ हुई, क्या लाइफ रही. ओके, ऑफ द बॉयश फैरो. वाई बॉयश फैरो, क्योंकि वो एक टीनेज थे इसलिए बॉयश फैरो. ओके ओके, एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो क्या होता है, ठीक है, अचानक से जब इनको बाहर निकाला जा रहा था, कहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, ancient Egyptian cemetery. ओके, जिसको Valley of Kings बोला जाता है. जब राजा महाराजा इजिप्ट में उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको Valley of Kings में दफनाया जाता था, जहाँ सिर्फ राजा महाराजाओं की ही कब्र होती थी. ओके, तो वहाँ से इनको जब बाहर निकाला जा रहा था, जो कि इनकी रेस्टिंग प्लेस है, ओके, किसको, किंग टट को निकाला जा रहा था, तब अचानक से जो हवाएं थी वो बहुत तेज, एकदम भूतीय ढंग से, समझ रहे हो, भूत की तरह एकदम डरावने तरीके से वहां पर हवाएं चलने लगी. डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे. और एकदम डार्क जो क्लाउड्स थे, ठीक है, काले बादल एकदम जो थे, वो पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन उस रेगिस्तान में वहां पर घूमते रहे, मंडराते रहे. ठीक है, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. और अब जो तारे थे उनको भी ढक लिया उन्होंने ग्रे कलर में. ओके, मतलब रात में इतना वो ब्लैक से नहीं दिख रहा होंगे, एकदम ग्रे से लाइक दिखता है. ओके, इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी, ऑन 5 जनवरी 2005. डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 जनवरी 2005 की बात है. और या कितना टाइम हो रहा है, 6 PM, शाम के 6 बज रहे हैं. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. तो क्या हो रहा है, अब इनका जो सर है, जो किंग टट का सर है, वो सीटी स्कैनर के पहली बार इसके अंदर जा रहा है, एंड यहाँ से जो मेडिकल मिस्ट्रीज हैं वो पता चलेंगी. ठीक है, और अच्छा, इनको मरे हुए कितना टाइम हो गया है, 3,300 years ago. क्लियर, तो ये इतना टाइम हो गया, यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी सीटी स्कैन हो रहा है वहाँ तक उनका कितना टाइम हो चुका है, लगभग 3,300 ईयर्स पहले उनकी डेथ हुई थी. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. तो अब क्या होता है, पूरे दिन जो ठीक है टूरिस्ट थे वहाँ, उनकी लाइन लगी रहती है, और वो कहाँ जाते हैं, वो नीचे क्रैम्ड में जाते हैं, जो रॉक कट उनका टूम्ब है, क्लियर, पहाड़ों में बना हुआ है, और वहाँ पे अंदर नीचे 26 फीट तक नीचे वो जाते हैं
ताकि अपनी रिस्पेक्ट पे कर सकें, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी होने वाली है और ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पीड एट टेट्स ग्लाइडेड फेस। ठीक है, तो जो कुछ भी वहाँ पर दीवारों पर नक्काशी की गई है या जो कुछ भी वहाँ पर आर्ट्स बनी हुई हैं, ओके, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख रहे हैं बरियल चैम्बर के जहाँ पर उनको दफनाया गया है, और टेट्स ग्लाइडेड फेस, और टेट का चेहरा भी वो देख रहे हैं। ओके, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो उनका कॉफिन था जिसमें उनको रखा गया था, ठीक है, जो कब्र का बॉक्स था, उसका जो लिड था, ढक्कन था, वो मम्मी के शेप का था। ओके, ये बहुत ज़्यादा लोगों को शॉक्ड कर रहा था। सम विस्टर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। अच्छा, वहाँ पे गाइड बुक्स भी हैं तो उसमें वो धीरे धीरे फुसफुसाते हुए पढ़ रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और बाकी लोग साइलेंटली वहाँ पर खड़े हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग टेट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। ठीक है, और इस बारे में सोच रहे हैं शायद कि टेट की जो डेथ हुई है, ठीक है, बिल्कुल असमय मृत्यु हुई है और उसके टीन एज में। ओके, और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फैरोज कर्स, ठीक है, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। और ये सोच रहे होंगे क्या, ये सोचकर कांप रहे होंगे कि जो फैरोज कर्स है, ठीक है, जो किंग का जो श्राप है कि क्या श्राप है उनका, कि उसको डेथ मिलेगी या उसकी बदकिस्मती हो जाएगी जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा, ये सच है कि नहीं है। ठीक है, ये सोच रहे होंगे और इसको सोच के वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। ओके, तो जो मम्मी है वो उसकी बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि जो कार्टर ने किया था 1920s का मतलब 1922 में पहली बार मिली थी मम्मी, ठीक है, 1922 का टाइम था। ओके, तो 1920s मतलब 20 का वो दशक, 21, 22, 23, 1920s। ओके, सेड ज़ही हव्वास, ये बात किसने बोली? ये ज़ही हव्वास ने बोली है। ओके, रिमेंबर दिस नेम। अच्छा, ये कौन है, इनकी पोजीशन भी और डेजिग्नेशन भी आपको याद रखना है। ही इज़ अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी जनरल, इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ज़ही हव्वास एग्जैक्टली हैं कौन, और ये क्या बोल रहे हैं कि कार्टर ने बहुत बुरी स्थिति कर दी थी मम्मी की 1920s की बात है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर द फर्स्ट लॉन्ग फर्स्ट लुक। ओके, जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, सिचुएशन देखी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। कार्टर, अच्छा कार्टर कौन है यहाँ पर? कार्टर, जिनका पूरा नाम है होवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टेट्स टूम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। तो ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। कार्टर कौन है? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1922 में टेट का टूम्ब ढूंढा था, उनकी कब्र ढूंढी थी, ठीक है, 1922, और काफ़ी सर्च करने के बाद। ओके, इट्स कंटेंट्स दो हैजली रेंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कम्प्लीट। क्लियर, तो उन्होंने जो भी वहाँ पर किया था, द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लेजेंड। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड्स का यूज़ किया गया है और किस तरीके से उनकी कब्र को सजाया गया है। द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड बिकम पार्ट ऑफ फैरोज लेजेंड। तो अभी तक का इतना बड़ा रॉयल कलेक्शन नहीं मिला था और वो मिला उनको। ओके, और ये फैरो के जो लेजेंड है उनका हिस्सा है, उनके जीवन का एक हिस्सा है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसर्प्शन। ओके, कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। तो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, जो इतने इम्पोर्टेंट गोल्ड के पूरे उनके, ठीक है, चीज़ें थी वहाँ पर, ठीक है, तो ये गारंटी थी कि वो एक बार, ऐसा लगता है कि वो उठेंगे एक बार। ओके, कॉज द सेंसेशन ऑफ अ टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अटेंशन उस टाइम पर उनको मिला था। बट टेट वॉज ऑल्सो बरेड विद एवरी डे थिंग्स। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी ही थी, वहाँ जो टेट को दफनाया गया था वहाँ पर वो सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें जो डेली यूज में चाहिए होती हैं वो सब वहाँ पर अवेलेबल थी, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केज ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। ओके, आफ्टर मंथ्स ऑफ, अच्छा ये जो डिस्कवरी चल रही है, ये चल रही है यहाँ पे जो मैं इस बार बता रहा हूँ, ये सारी डिस्कवरी 1922 की बता रहे हैं। गॉट इट? अभी प्रेजेंट वाला नहीं बता रहे, पास्ट वाला बता रहे हैं कि कार्टर ने क्या किया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फैरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। तो फैरो का कई महीने गुजर गए फैरो का जो फनरी ट्रेजर्स थे, जो इतने इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स थे, उसके बारे में उसने रिकॉर्डिंग की, सारी चीज़ें की। एंड कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। और उसके बाद क्या किया कार्टर ने, ठीक है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी
जो उसके तीन और कॉफिन्स थे. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ शाउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. ठीक है, जब उन्होंने, अच्छा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सो जस्ट रिमेंबर इट. जब वो पहला नेस्टेड कॉफिन खोलता है तो उसको क्या मिलता है वहाँ पे, श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. तो जो उसका श्राउड था पूरा, ठीक है, वो किससे सजा हुआ था, विलो एंड ऑलिव लीव्स से सजा हुआ था. वाइल्ड सेलरी एंड लोटस पीटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, तो इनसे वो बढ़िया सा सजा हुआ था. ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि जो डेथ हुई होगी, ठीक है, टेट की डेथ हुई होगी, वो लगभग लगभग या बरियल जो हुआ होगा वो मार्च या अप्रैल के टाइम पर हुआ होगा, क्योंकि ये फूल उस जगह पर इसी महीने में खिलते हैं. ओके, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो डेथ का टाइमिंग है वो क्या हो सकता है, मार्च या अप्रैल के आसपास होगा. व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल. ठीक है, जब वो मम्मी तक पहुंचा तो उसको क्या होता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है. द रिचुअल रीजंस हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन. अच्छा, जिस तरीके से उसकी बॉडी को रखा गया था, जो प्रिजर्व करने के लिए उसको रीजंस लगाए गए थे, ठीक है, उसकी वजह से टट की जो बॉडी है वो उसके कॉफिन में चिपक गई. ओके, टट की जो डेड बॉडी थी वो उसके जो कॉफिन में, जिसको जिसमें उसको रखा गया था, गोल्ड का कॉफिन था, सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसमें उसकी बॉडी चिपक गई. नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव देन. ठीक है, और किसी भी तरीके से आप जोड़ लगा लो, वो अलग नहीं हो पा रहा था. कार्टर रोट लेटर, तो कार्टर ने ये चीज़ भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में या जो भी अपने रिसर्च पेपर होंगे उसमें लिखा था. वॉट वॉज टू बी डन, तो क्या किया जा सकता था. द कार्टर कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. तो उसने क्या किया, उसने डेड बॉडी को उठा के धूप में रख दिया ताकि धूप से वो रेजिन वगैरह है वो जो पिघल जाए और उससे वो बॉडी को अलग कर ले. कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन. ठीक है, अच्छा क्यों किया ऐसा उसने, वही जो मैंने बताया कि जो उसके रेजन्स थे जिससे वो चिपक गया था वो लूज़ हो जाए. फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, कई घंटों के लिए उसने वहाँ पर रख दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया, यू कैन जस्ट स्टडी. ओके, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. उसने धूप में रख दिया बिल्कुल. ओके, एंड हीटेड टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. टेम्परेचर याद रखिएगा 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर तक उसको हीट किया. नथिंग बच, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. He reported with scientific detachment that the consolidate material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. तो क्या होता है, उसने फिर साइंटिफिक डिटैचमेंट में अपना क्या लिखा, ठीक है, जो कंसॉलिडेट मटेरियल था उसको छेनी से, ठीक है, हथौड़ा एंड छेनी से उसको अलग किया जाए. क्लियर सारी चीज़ें. ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. ठीक है, तो ये मतलब हथौड़ा वथौड़ा चलाया गया पूरा उस पर, तो ताकि उसको किंग की बॉडी को निकाला जा सके. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. इफ ही हैडन कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. तो कार्टर अपने डिफेंस में क्या कहता है, जब उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने क्यों किया ऐसा, क्यों उसकी मम्मी को मतलब पूरा खराब उसको कर दिया, तो कार्टर अपने डिफेंस में कहता है कि अगर मैं उसको ऐसा नहीं करता, अगर मम्मी को अलग कट नहीं करता, तो जो चोर होते वो क्या करते, वो गार्ड्स को मार देते और मम्मी को अलग निकाल ले जाते क्योंकि गोल्ड चाहिए था. और वैसे भी चोर जो तो होते वो मम्मी को खराब ही कर देते क्योंकि उनको तो गोल्ड चाहिए था, इसलिए उसको ये चीज़ करनी थी. ओके, इन टच टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम. अच्छा, जो टेट का टाइमिंग था, जो किंग जो मरा है उसके टाइम की बात बताई जा रही है, उस टाइम ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और ये माना जाता था कि ये अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर जा सकते हैं वापस. ठीक है, जिस भी दुनिया में जाते हैं मरने के बाद अपने साथ ही सारी चीज़ें लेकर जा सकते हैं. फॉर हिज जर्नी टू बी ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. अच्छा, जो भी उसकी जर्नी रही है तो किंग टट को बिल्कुल, ठीक है, महंगे महंगे गुड्स से सजाया गया. ठीक है, सोना चांदी वाली चीज़ों से. क्लियर, प्रीशियस कॉलर्स, प्रीशियस कॉलर्स मतलब महंगे महंगे कॉलर्स भी यूज़ किए गए हैं यहाँ पर. इनलेड नेकलेस, ठीक है, नेकलेस भी लगाए गए हैं, ब्रेसलेट्स भी लगाए गए हैं, रिंग्स, एमलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल प्योर ऑफ गोल्ड. तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो गोल्ड से बनी हुई हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किंग को दिया गया है उनके मरने के बाद. ओके, टू सेपरेट टर्ट फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सर्व नियरली एवरी मेजर जॉइंट. अच्छा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी और ये सब उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी क्योंकि कई साल हो चुके थे. ओके, मतलब सदियां बीत गईं, तो अब ये बहुत सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी यहाँ पर. तो कार्टर के जो लोग थे, मतलब जो कार्टर के साथ काम कर रहे थे, उस उन्होंने मम्मी का जो हेड था
वो अलग कर लिया एंड सर्वड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जितने भी जॉइंट्स थे उनको भी अलग अलग करके हटा दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑफ द लेयर, और जब एक बार उनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को वापस रखा, सैंड इन द वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, ओके, और वुडन बॉक्स में रखा और आराम से उसको किया, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ था जितना भी बचा सकते थे बचाया, एंड द बेड वेयर द टर्क नाउ रेस्ट, और वापस उनको जो बॉडी थी वो वापस वहीं रख दी जहाँ पे आज से निकाला जा रहा है उनको। तो ये जितना भी था वो पास्ट के बारे में बताया गया था, गॉट इट, ओके। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, अच्छा आर्कियोलॉजी जो है वो इतने समय में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरग्विंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तो आज के समय में जब आर्कियोलॉजी और जब रिसर्चेज होती हैं तो ट्रेजर पे कम फोकस होता है, ज़्यादा फोकस किस पर होता है कि लाइफ कैसी थी, मिस्ट्री ऑफ डेथ क्या था, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, अच्छा आज के समय में जब आर्कियोलॉजी होती है तो सोफिस्टिकेटेड टूल्स मतलब एडवांस्ड टूल्स यूज़ किए जाते हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अच्छा अगेन दे आर गोइंग इन द पास्ट, फिर से पास्ट में गए, क्या होता है 1968 की बात है, लगभग कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद, ठीक है। एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी एंड रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट, तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने मम्मी का एक्सरे लिया और एक फैक्ट निकाला, ठीक है, बिनीथ द रीजंस दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो उन रीजंस जहां से उनका वो सीना चिपक चुका है वहां पर एक हड्डी गायब है, ओके, जिनके सीने की एक हड्डी थी रिब्स की, फ्रंट रिब्स की, वो मिसिंग थी, तो ये उनके एक्सरे में सामने आई थी बात। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ओके। तो अब आज के समय में क्या होता है, आज के समय में ये होता है कि बहुत एडवांस तरीके से आप ये सब डायग्नोस कर सकते हो, ओके, बाय विच हंड्रेड ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, तो क्या होता है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं, पतले पतले एक्सरेज होते हैं, ओके, और उनको एक साथ रख के ऐसा जैसे कि ब्रेड का स्लाइस होता है ना उस तरीके से रख के एक थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है। तो इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज होते हैं, गॉट इट, तो सीटी में बहुत मतलब एकदम बारीक डिटेल्स पता चल जाती हैं। वॉट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ दैट देन द एक्सरे, अच्छा और क्या क्या पता चल सकता है सीटी स्कैन से एक्सरे के कंपैरिजन में, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये दो बहुत बड़े सवाल के जवाब दे सकता है सीटी स्कैन, लिंगरिंग अबाउट हिम जो उसके बारे में चल रहे हैं टट के बारे में, ओके, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ वॉज ओल्ड ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वो कैसे मरा और उसकी उम्र क्या रही होगी जब उसकी डेथ हुई। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, तो जो किंग मरा था, ओके, तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स मतलब रॉयल नज़र से भी देखोगे तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्यों, क्योंकि अपनी फैमिली में आखिरी व्यक्ति था, एंड दिस फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ द डायनेस्टी, ओके, और जो इनकी डेथ हुई उससे पूरी की पूरा उनका साम्राज्य था वो खत्म हो गया, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन वो किस तरीके से मरा, ठीक है, और बाद में क्या हुआ ये अभी कुछ भी नहीं पता है, गॉट इट, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, अब आगे यहाँ से कहानी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद लॉट ऑफ फोकस, ओके, अगर फोकस गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अमेनोटेप थ्री, अब क्या नाम है, अमेनोटेप थ्री, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, अभी कंफर्म नहीं है कि जो अमेनोटेप हैं अमेनोटेप थ्री हैं वो टट के फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है वॉज अ पावरफुल फैरो, एक बहुत ताकतवर राजा थे वो, ओके, इजिप्ट में किंग को फैरो बोला जाता है, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स, जिन्होंने लगभग चार दशक के लिए मतलब 40 साल के लिए शासन किया, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, ओके, और सॉरी हाँ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने अपना शासन किया है, क्लियर, ओके। हिज सन अमेनोटेप फोर सक्सेसेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, अब इनके बाद थर्ड के बाद कौन आता है, अमेनोटेप फोर आते हैं, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, बहुत बड़ी सक्सेस पाई, इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, ओके, अच्छा इनका समय जो अमेनोटेप उनके बेटे का जो समय था वो बड़ा खराब था, क्लियर, क्यों खराब था, ठीक है, या अजीब था या स्ट्रेंज था, क्यों था वो आगे बताया जाएगा। एंशियंट इजिप्ट में द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क Changed his name to Akhenaten. अच्छा जो नए फैरो बने अमेनोटेप फोर जो थे उन्होंने क्या प्रमोट किया,
वर्शिप ऑफ एटिन, ये गॉड का नाम है, एटिन गॉड का नाम है, इसका मतलब होता है द सन डिस्क, ओके। और खुद का नाम अमेनोटेप फोर से क्या कर लिया, एखेनेटिन, ये याद कर लेना, ठीक है। अमेनोटेप फोर से अपना नाम रख लिया एखेनेटिन, और सर्वेंट ऑफ द एटिन, अच्छा एखेनेटिन का मतलब क्या है, ठीक है, एटिन का सेवक, ओके। क्योंकि एटिन कौन है, गॉड है, इनके उनकी वर्शिप को प्रमोट कर रहे हैं, और खुद का नाम एखेनेटिन रख लिया, क्यों, क्योंकि वो सर्वेंट ऑफ एटिन है, ओके। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू थीब्स, ठीक है, और जो अपना इनका रिलीजियस कैपिटल था, जो धार्मिक राजधानी थी, ठीक है, वो थीब्स से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया, एखेटेटिन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एखेटेटिन सिटी का नाम है, ओके, एखेनेटिन उन्होंने अपना नाम रख लिया, और एटिन गॉड का नाम है, गॉट इट, नोन नाउ एज अमारना, और आज के समय में एखेटेटिन जो है वो अमारना नाम से जाना जाता है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट प्लीज़ जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, अमहेनो टेप जो है फोर्थ, क्लियर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भगवान की पूजा जो है वो एटिन गॉड की पूजा करनी शुरू की, और खुद का नाम क्या रख लिया इन्होंने, ठीक है, एखेनेटिन, ओके, एखेनेटिन इन्होंने खुद का नाम रखा है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना है, फिर रिलीजियस कैपिटल इन्होंने चेंज कर लिया, एखेनेटिन का नाम का जो मीनिंग है वो क्या है, सर्वेंट ऑफ द एटिन, ठीक है, एटिन का सर्वेंट, ओके। अब क्या होता है, अपनी जो रिलीजियस कैपिटल है वो थीब से चेंज करके कहाँ कर लिया, रिलीजियस कैपिटल जो इनका बन गया है वो क्या बन गया है, ठीक है, एखेटेटिन, ये रिलीजियस कैपिटल बन गया इनका, गॉट इट, नोन एज अमारना, जिसको आज के समय में क्या जानते हैं, आज के समय में हम अमारना नाम से जानते हैं, इतना आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन, ओके, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये देश को एकदम शॉक में डाल देते हैं, जब वो अमुन पे अटैक कर देते हैं, जो कि एक भगवान है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भगवान है इनके, उनकी इमेजेस को, उनके मंदिर को तोड़ देते हैं, क्लियर, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। तो क्या कहा जाता है, अच्छा ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक समय रहा होगा, डरावना समय रहा होगा, कौन बोलता है, रे जॉनसन बोलते हैं, रे जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर हैं, जो लक्सर में है, यूनिवर्सिटी लक्सर में है, ओके। द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, द साइट ऑफ एशियंट थीब्स, ओके, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, एंड देन एखेनेटिन वेंट अ लिटिल वैकी, ओके। तो क्या होता है कि ये जो सेंचुरीज तक पूरा शासन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली थी, और जो एखेनेटिन थे वो वैकी हो गए, मतलब ठीक है, परेशान हो गए या बीमार हो गए, आफ्टर एखेनेटिन्स डेथ। अब क्या होता है, ये व्यक्ति मर जाता है, एखेनेटिन की डेथ हो जाती है, गॉट इट, ओके। अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंक करे करे, ओके, जो भी नाम होगा, इट्स एन इजिप्शियन नेम, स्मेंक करे, ये होते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, तो बहुत कम समय के लिए ये नेक्स्ट राजा के बाद आते हैं और वहाँ रहते हैं, एंड देन अ वेरी यंग तूतन खातिन, तो ये बहुत कम समय के लिए आए, ठीक है, एखेनेटिन के बाद ये आए हैं, और उसके बाद तूतन खातिन आते हैं, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा यंग हैं, उम्र में बहुत कम है, वो गद्दी पर बैठते हैं, किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे। तो जिनको हम किंग टट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, उनका असली नाम क्या है, पूरा असली नाम क्या है, तूतन खातिन, ओके, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में टट बुलाते हैं, गॉट इट। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतन खामुन, और इन्होंने अपना नाम किस में चेंज कर लिया, दूसरे नाम चेंज कर लिया, इन्होंने लिख लिया, ठीक है, तूतन, ठीक है, खामुन, MUN, ओके, तूतन खामुन, तो तूतन खातिन से तूतन खामुन अपना नाम रख लिया, और शॉर्ट फॉर्म में हम इनको टट जानते हैं, और तूतन खामुन का मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, ओके, अमुन की, ठीक है, जीतती जागती इमेज, क्लियर हो गया। एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और वापस, क्योंकि जब इनके पहले वाले राजा थे तो उन्होंने मंदिर काफ़ी तोड़े थे, तो वापस उन्हीं रास्तों पे वो पहुंच गए। ही रेंज फॉर अबाउट 9 ईयर्स, और शासन कितने साल के लिए किया इन्होंने, टट ने शासन कितने टाइम के लिए किया, 9 साल के लिए किया, और फिर अचानक से इनकी डेथ हो गई, गॉट इट, ओके। अब होता क्या है, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट,
ओके, तो इनके फेम बहुत ज़्यादा था, इनके जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ममी है इजिप्ट में. हाउ मैनी नो वन नोज, और कितनी है ये कोई नहीं जानता. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003. ठीक है, तो ये जो ममी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था लगभग 2003 की बात है, क्लियर, तो तब से ये चला जा रहा है. हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और तब से लगभग 600 ममीज, ठीक है, उनका यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है डेटा. इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी काउंट किया जा रहा है. गॉट इट. द नेक्स्ट फेज इज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस. अब क्या होता है, अगला हिस्सा जो है, जो अब क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, सिटी स्कैन वाला पार्ट चल रहा है, क्लियर. यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, अब मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ गए, प्रेजेंट टाइम में वापस आ गए. गॉट इट. ओके, तो नेक्स्ट फेज इज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन. अब क्या चल रहा है, फेज दूसरे फेज की बात हो रही है, ममी का सिटी स्कैन होने वाला है डोनेटेड. किसने डोनेट किया है सिटी स्कैन मशीन? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने दिया है. इट्स मैन्युफैक्चरर, जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं. ओके, साइमंस उसके मैन्युफैक्चरर हैं. ओके, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड. दुनिया की पहली ऐसी ममी है जो स्कैन की जाएगी. ओके, इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. मतलब डेथ में ये बात पता लगाई जाएगी कि जीवन में उनका जीवन कैसा था, और अपने पूरे देशवासियों के बीच में, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक बड़े लेवल की बात हो रही है यहाँ पर. अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो. अब यहाँ पर रिसर्च का पार्ट आ जाता है. सिटी मशीन जो होती है वो सर से लेकर पाँव तक, ठीक है, टो तक पूरे स्कैन करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस लेती है क्रॉस सेक्शन में. ओके, टेट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टेट का जो हेड है उसको स्कैन किया जाता है 0.62 मिलीमीटर्स में स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स. मतलब दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. ओके, तो इसलिए जो एक एक शीट का जो आ रहा है ना, वो 0.62 मिलीमीटर्स का ही उसका थिकनेस है. ओके, टेक्स ऑन एरे डिटेल्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स तक निकाली गई हैं वहाँ से इन द रिजल्टिंग इमेज. तो जो भी इमेज बन रही है उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पता चल रही हैं. विथ टेट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ द ग्लैडेड बर्ड श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. तो पूरी बॉडी जो टट की है वो रिकॉर्ड की गई है, और जो स्पेशलिस्ट थे अलग अलग फील्ड में, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स और एनाटॉमी, वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट्स उजागर करना शुरू करते हैं कि भाई ये सीक्रेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनको पता चल रही हैं. देयर आर विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ ग्लाइडेड बर्ड श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. ठीक है, तो एक जो देवी हैं जो उस जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है राजा महाराजाओं का, वो उन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया है इतने समय तक. ओके, सो लाइक दिस इज जस्ट एन स्टेटमेंट. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स. ओके, अब क्या होता है, ठीक है, रात का समय है, स्कैन का टाइम जो करना है वहाँ पर, ठीक है, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स लाइक पॉल बेयरर्स दे क्लाइंब्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड. ओके, तो अब नीचे से कब्र निकाल कर लेकर आई जाती है. ओके, और बाहर रखी जाती है, तो रैंप बना हुआ है, मतलब चढ़ाई है वहाँ पर. ऑब्वियसली बात, हमने ऊपर देखा था कि 26 फीट नीचे है. ओके, तो वहाँ से चढ़ के ऊपर लेकर आते हैं, और बाहर क्योंकि डेजर्ट है तो वहाँ पर रख दी जाती है. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इन टू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर रखा जाता है बॉडी को, जो स्कैनर तक उसको उठाता है. 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज. 20 मिनट बाद क्या होता है, दो आदमी आते हैं. स्पेंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, दौड़ लगाते हैं कि भाई कहाँ है ऑफिस, कहाँ ऑफिस तक भागते हैं. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और दो प्लास्टिक फैंस लेकर भागते हैं. मतलब ऑफिस में जाते हैं, फिर वहाँ से प्लास्टिक फैन उठाते हैं, फिर भागते हैं. क्यों ऐसा हो रहा है, द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर, हैज क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. होता क्या है कि मिलियन डॉलर, लगभग 8 करोड़ रुपए का, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्कैनर था जो रुक जाता है, अचानक से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो उसका कूलर फैन था उसमें मिट्टी चली जाती है. कर्स ऑफ द फैरो जोक द गार्ड नर्वसली. तो जहाँ पे वो गार्ड लगा हुआ था वो डर से एक मजाक करता है, ठीक है, कि ये फैरो का श्राप है, राजा का श्राप है ये. ओके, तभी तुम्हारी मशीन काम नहीं कर रही है. ओके, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. लेकिन जो सब्स्टिट्यूट फैन आए थे उसने काम किया और इनका पूरा प्रोसीजर तक काम कर गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा
had been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. जब ये कंफर्म हो गया कि कोई भी डेटा नहीं खोया है, सारी जानकारियां मिल गई हैं जो भी चाहिए थी, ठीक है, जो उसको लेकर आए थे जो आदमी, उन वो वापस उसको रखाते हैं. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, सिर्फ 3 घंटे कॉफिन से बाहर निकाला और वापस रखने में सिर्फ 3 घंटे लगे, ठीक है, 3 घंटे से कम समय लगा. द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग. और उसको वापस उसी जगह रखा जाता है जहाँ पर जब उसकी डेथ हुई थी तो जो भी लोगों ने मंत्र वगैरह पढ़े होंगे उसको वहाँ पर, ठीक है, दफनाया गया होगा, तो उसी जगह पर वापस पहुँचा दिया जाता है. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टच ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. अब क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम पूरा लगा हुआ है वहाँ पर अब स्टडी की जा रही है, ठीक है, तो अलग अलग इमेजेस देखी जा रही है. अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, तो पिक्सल्स में वहाँ पर एक अलग तरीके का शेप बन रहा है. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. तो अब टेक्नीशियंस कन्फ्यूज हो गए कि ये क्या चीज़ है, क्या दिख रहा है उसके हेड में, क्या दिख रहा है, ओके, और हर तरफ से घुमा के उसको देख रहे हैं. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. तो जो उसके गर्दन की हड्डी थी, ओके, वर्टिब्रा थी, वो साफ साफ दिख रही है जैसे कोई एनाटॉमी की क्लास में दिख सकती है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी इमेजेस में उसके हाथ दिख रहे हैं. सेवरल व्यूज ऑफ द रिबकेज, और रिबकेज के भी कुछ हिस्से दिख रहे हैं. एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और जो उसका खोपड़ा है उसका भी एक ट्रांसेक्शन दिख रहा है. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अभी के लिए प्रेशर नहीं है, किसी भी तरीके का प्रेशर इनके ऊपर नहीं है. सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ही अब्बास स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. तो ज़ही अब्बास को इस बात की खुशी है कि बढ़िया अपनी चेयर पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ. आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड. वो क्या कहते हैं कि पिछली रात मैं 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया. आई वॉज वरीड, मुझे चिंता थी इस बात की. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा. ओके, By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, तो कह रहे जब हमने ट्रेलर को छोड़ा, वहाँ पर जो भी मशीनरी लगी हुई थी उसको छोड़ा, descending metal stairs, तो metal की सीढ़ियाँ थी, वहाँ से नीचे उतरे, कहाँ पे, sandy ground पे, desert में, the wind had stopped, और उस time अचानक से हवा रुक गई. The winter air lay cold and still, और इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, जो सर्दियों की हवा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर चल रही है, like death itself in its valley of the departed. ओके, जैसे कि भाई अगर यहाँ पे रहे तो मर जाएंगे. जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट्स टूम्ब स्टूड ओरियन. ओके, और जहाँ पे टट की कब्र है उसके ऊपर एक ओरियन है. ओरियन क्या है, एक कॉन्स्टलेशन है, तारों का समूह. ओके, तो ओरियन उसके ऊपर दिख रहा है. बाय द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस. अच्छा, ओरियन को एंशियंट इजिप्शियंस जो हैं वो कैसे जानते हैं, जो पुराने इजिप्शियंस थे टट के टाइम पर, वो कैसे जानते हैं, सोल ऑफ ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉडी किंग बॉय किंग. तो ओरिसिस कौन है, ठीक है, सोल ऑफ ओरिसिस, ठीक है, जो कि गॉड, मतलब मृत्यु के बाद, ठीक है, जो इंसान मर जाता है उसके बाद की जो जिंदगी होती है ये उसके भगवान है. ओके, और उसी को ओरियन ऊपर दिख रहा है, उन्हीं का ओरियन दिख रहा है, क्लियर. तो वो कॉन्स्टलेशन, और वो टट को देख रहे हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, गॉट इट. ये सोर्स कहाँ से लिया गया था, ये यहाँ से पूरा इसका आर्टिकल वगैरह जो भी है वो यहाँ से लिया गया है. ओके, सो थैंक यू, यू कैन मेक नोट्स. थैंक यू.